तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में कुकिंग इन द वुड्स में। आज हमने बनाया है लेमन पेपर चिकन, उसके साथ हमने सर्व किया है गार्लिक बटर नान। सो दोस्तों, लेमन चिकन पेपर चिकन बनाने के लिए ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन पेपर चिकन। लेमन पेपर चिकन बनाने के लिए दोस्तों इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, ये है मलाई दही, उसके बाद में है ये हरी मिर्चें, कुछ मैंने काजू ले लिया है और मगज के बीज, ये है सबसे मेन इंग्रेडिएंट काली मिर्च का पाउडर जो कि मैंने क्रश कर लिया है, ये मैंने लिया है दोस्तों कॉर्नफ्लावर और अदरक लहसुन का पेस्ट। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हमारे लेमन पेपर चिकन बनाने की तैयारी करते हैं। ये लिया है मैंने चिकन, ये करीब करीब 1 kg चिकन है। इसी को मैंने सभी पीसेस में ऐसे कट लगा दिया है, गहरे गहरे कट, ताकि जितना भी मसाला है वो अच्छे तरीके से अंदर तक चले जाए। उसके साथ में हम अभी चिकन में ऐड करेंगे दोस्तों, ये है 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम दोस्तों ऐड करने वाले हैं, ये है 100 ग्राम दही, मलाई दही। और दोस्तों अब हम ऐड करने जाएंगे इसमें काली मिर्च कूटी हुई, काफ़ी सारी, थोड़ी सी काली मिर्च मैं बचा के रखूँगा जो एंड में अपन यूज़ करेंगे। अब दोस्तों हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और ये सारा मैरिनेशन, इसको हमारे चिकन को अच्छी तरीके से कोट हो जाना चाहिए। ताकि सारा जितना भी इसका मसाला है सारे चिकन में अच्छी तरीके से कोट हो जाए। सो दोस्तों, हमारे चिकन को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगा 1 big tablespoon ऑफ लेमन जूस। ये मैंने एक बड़ा लेमन लिया है, एक सिंगल, आप इसे 2 छोटे अगर आपके पास में होंगे तो छोटे ले सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है दोस्तों। हमें दोस्तों इस मैरिनेशन को मिनिमम 1/2 hour के लिए मैरिनेशन करने के लिए रख देना है। सो दोस्तों, हमारा चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब हम चालू करते हैं चिकन को पकाने की। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन करता हूँ, उसमें मैं डालूँगा 1-2 tablespoon ऑफ ऑयल और इसी के साथ मैं ऐड करूँगा 1 tablespoon ऑफ घी। सो दोस्तों, हमारा घी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हमारे मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस। हमने सारे चिकन के पीसेस इसमें ऐड कर लिए दोस्तों, आप देख रहे हो। और जितना भी इसका मैरिनेशन जो बचा था इसके अंदर, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। अभी हमें तब तक चिकन को फ्राई करना है, यानी पकाना है, जब तक इसका पूरा पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। अब दोस्तों, हमारे चिकन को हम ढक कर पकाएंगे
ताकि सारा जो चिकन है अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए, पूरी तरीके से अच्छे से पक जाए। दोस्तों हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर 5 मिनट्स में इसे चेक करते रहना है और थोड़ा सा इसे मिक्स करते रहना है ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरीके से चारों तरफ से सभी तरीके से पके। आप देख रहे हैं कितना सुंदर वाइटिश कलर का चिकन हमारा हो चुका है ये मैरिनेशन के साथ में। अभी हमें इसे अच्छी तरीके से ड्राई करना है ताकि इसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। सो दोस्तों ये देखिए हमारा चिकन, काफ़ी सारा इसका पानी छूट चुका है। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूँगा दोस्तों अपने स्वाद के हिसाब से सॉल्ट। याद रखना दोस्तों हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया था मैरिनेशन के समय, ताकि अगर हम मैरिनेशन के समय सॉल्ट ऐड करते तो जो दही है वो अपना पूरा पानी उसी समय छोड़ देता, तो इसलिए हमने जो सॉल्ट है वो अभी ऐड किया है। इसे अच्छी तरीके से चिकन को पकाना है ताकि हमारा चिकन जो पूरी तरीके से अच्छा और टेंडर हो जाए। तो दोस्तों हमारा चिकन आप देख रहे हैं काफ़ी सारा उसने पानी ड्राई हो चुका है उसका। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। ये चिलीज़ को मैंने बीच में से स्लिट कर दिया है, हम इसे अच्छा एक मिक्स देंगे और वापस से इसको पकने देंगे। दोस्तों हम इसे अभी ओपन ही पकने दे रहे हैं ताकि जितना भी इसका वाटर है वो अब्जॉर्ब हो जाए, ख़त्म हो जाए, ड्राई हो जाए। दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हो हमारी ग्रेवी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। इसे और हमें ड्राई करना है। ये देखिए पूरा चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से ग्रेवी ड्राई हो चुकी है। ओए हो हो मस्त है यार भाई। दोस्तों अब बारी आती है, हमारा चिकन अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगा ये मैंने पेस्ट बनाया है काजू और मगज के बीज का, ये पेस्ट मैं अच्छी तरीके से ऐड कर देता हूँ इसमें। उसे एक अच्छा सा मिक्स दे देता हूँ ताकि हमारा जो ये ग्रेवी है मगज और काजू की जो मैंने पेस्ट बनाया था वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। दोस्तों अब मैं इसमें ऐड करूंगा कॉर्नफ्लावर का स्लरी जो पानी के साथ मैंने मिक्स करके बनाया है। ये हमारी ग्रेवी को एक अच्छा कंसिस्टेंसी देगा। उसके बाद मैं ऐड करूँगा दोस्तों जो हमने बचा हुआ ब्लैक पेपर था वो मैं उस अच्छी तरीके से ब्लैक पेपर जो बचा था वो मिक्स कर दूँगा। और लास्टली दोस्तों इसमें मैं 1 टीस्पून ऑफ घी ऐड कर रहा हूँ। इसे अभी एक अच्छा सा मिक्स दे देते ट्विस्ट एंड टर्न ताकि हमारा पेपर घी सभी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। यस
काफ़ी सारा ब्लैक पेपर यूज़ किया है। ब्लैक पेपर के साथ में चिकन जो का टेस्ट आता है वो बहुत ही बेहतरीन आता है। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया मेरा मिक्स। अगर आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। मैं दोस्तों इसमें एक कप ऑफ वाटर ऐड कर रहा हूँ और इसे स्लो फ्लेम में 10 मिनट्स तक कुक होने दो। ये देखिए दोस्तों, हमारा चिकन लेमन पेपर अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। चिकन भी गल चुका है और जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो भी इसके ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो चुकी है। मसाला भी अच्छी तरीके से अंदर तक जा चुका है। ये ग्रेवी देखिए एकदम थिक। इसे फाइनल टच देते हैं अभी। सो दोस्तों, इसे फाइनल टच देते हैं अभी। इसमें ऐड करते हैं धनिया, फ्रेश फ्लेवर के लिए धनिया ऐड किया। इसे कर दिया है मैंने एक मिक्स। देखिए दोस्तों अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अभी हम दोस्तों इसे डिश आउट करते हैं। सो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में कुकिंग इन द वुड्स में। आज हमने बनाया है लेमन पेपर चिकन, उसके साथ हमने सर्व किया है गार्लिक बटर नान। सो दोस्तों, लेमन चिकन पेपर चिकन बनाने के लिए ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।